Assalamu alaikum, welcome to the show. Eat. क्या नाम क्या है शो? I don't know. I cook life. Sadat life. अच्छा जी, and literally life means his life. और I don't know कैसा लग रहा है. ये new and improved product है ये. वो मेरी बेटी छोटी बड़ी और बेगम पूरा खानदान तीनों ने वो gang up किया against me. कहते हैं इसको die करें. I don't want you know बुड्ढा daddy. आप जब बुढ़े हो जाएंगे जब आपके बाल सफेद होने चाहिए. मैंने कहा बाबा बुढ़ा तो अच्छी से दोनों. तो फाइनली आज मैं गया, मैं गया कुछ बाल तो काटो जिससे हॉट और मुझे बनाने में बड़ी कायली होती है. उसने कहा आज आपको मैं बड़ा नया लुक देता हूँ. मैंने कहा पहले दे दे भाई. वो कहते हैं ना कि वो जो अखियाँ वालों से पूछो अखियाँ बड़ी नेमत है. ओ जो जो नाबीना से पूछो आँखें बड़ी नेमत है. तो इसीलिए आई फील वेरी नेमत अल्लाह ताला ने मुझे बाल दिए. वो मेरे दोस्त बड़े जेलस होते हैं जिनके बाल नहीं है कि यार तू बड़े अपने बालों से खेलता रहता है. मैंने कहा बाल घर की खेती फिर आ जाएगी. वो आई एम नॉट वेरी फसी अबाउट इट के बाल टेढ़े काट दिए जैसे काट दिए. इट ग्रो अप एनी वे इट ग्रो अप इतनी अच्छा इंशाल्लाह. ये तो बाल की बात हो रही थी यार. बात की क्या बात की खाल निकाल दी हमने. बट थैंक यू वेरी मच आप लोगों का चीज़ें देख रहे हैं पसंद कर रहे हैं. आई रियली अप्रिशिएट. और प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें. मुस्तफ़ा की बहुत सारी रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर. शेफ़ सादत को सर्च करें उसके अंदर मुस्तफ़ा की अमेजिंग रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं. मैंने से अमेजिंग मतलब वो आपको मांडा पट्टी समोसे की रोल है या एग रोल की रोल जो शीट होती है वो कैसे बनानी है वो आपको बता रहा है. वो समोसा जिसके लोग कहते हैं कि बाज़ार में समोसे हम खाते कीमे वाले या आज बल्कि अपलोड होगी वो भी है चीज़ कीमा चीज़ चिकन चीज़ समोसा. तो गो है उसको देखें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुस्तफ़ा को ज़रा बूस्ट मिले. लागे ना मैंने बड़ी मेहनत की है. फिर आगे अफजल भाई की रेसिपीज भी हैं ताहिर की भी हैं. और सब्सक्राइब कर लें ताकि वो जब भी आपको डेली इंशाल्लाह मैं वहाँ पे हम चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं तो आपको हर दिन नोटिफिकेशन आता रहे. और बहुत कुछ हो रहा है इंशाल्लाह. मैं भी थोड़ी देर में आपको एक और सरप्राइज दे रहा हूँ कि कल एक और कल या आज आज हम यूट्यूब पर एक लॉन्च कर रहे हैं एक और छोटा सा कुकिंग शो है. इस ना शो ऐसे बड़ा मजार किस्म का है. फायजा सली हिंट दे दी आपको वो है तो वो आप जरूर देखिएगा. तो आई थिंक लॉट्स ऑफ हैपनिंग. और आज हम पिन व्हील्स बना रहे हैं पिन व्हील सैंडविचेस. दे वेरी इजी. तो शुड वी स्टार्ट भाई? yes, करें लोगों को सलाम खास. yes. जवाब तो नहीं किसी के. मेहराज सिंह नाइस हेयर कट. थैंक यू मेहराज बहुत शुक्रिया. और क्या कह रहा था मैं कल की रेसिपी प्लीज अगर मुझे थोड़ा सा तस्वीर भेजते रहिए कुछ मुझे तो लगे कि आप लोग बना रहे हैं. तो आइडिया इसके मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे साथ बनाएं. तो अगर कोई साथ बना रहा है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं. और नहीं तो अगर आपने बना ली है वो चीज़ एटलीस्ट मुझे ये बड़ा एक टू वे सिलसिला है. इसको कहते हैं एक हाथ ले एक हाथ दे वाली कहानी है यू नो. तो आप मुझे जब तक पंप अप नहीं करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कैसे चल रहा हूँ कैसा मेरा परफॉर्मेंस है. प्लीज़ डू शेयर पिक्चर्स. और आज जो रेसिपी से आपको वो दोस्त जो कि अमून कहते हैं कि सब्ज़ी से हमें इत्तेफाक नहीं है हमें सब्ज़ियाँ नहीं पसंद है ख़ासतौर पे वो सब्ज़ी के सैंडविच कौन खाता है फ़ौरन नाम का टैग करें रेसिपी वो बताएंगे. बहुत सी बंदे बनानी है और ये बगैर किसी मीट के यू नो दैट टाइम्स वी शुड नॉट ईट मीट. ऐसी ज़िंदगी में इतनी मज़ेदार चीज़ है आलू मुझे लगा है बहुत मज़ेदार चीज़ है. आलू से कुछ बनाएं तो प्लीज़ उन तमाम दोस्तों को जिनको सैंडविच पसंद है लेकिन कहते हैं सैंडविच तो वो चिकन का या बीफ का है नोवन दोस्त ये मैं एक्सपर्ट की चूल्हे यूज कर रहा हूँ. ये कोई गोली चूल्हे शायस्ता नजीब सिंह ट्राइड प्याजो एक्सलेंट रेसिपी. ट्राइड व्हाट? ट्राइड प्याजो. ओह प्याजो. ओह थैंक यू प्याजो. ओके प्याजो वेरी ग्राइट. आते हैं आज ऐसा क्या था मैंने देखा आते कुछ बनाया था ना मैंने चेक किया था. बट डू डू आप शेयर करें मुझे इनबॉक्स कर दें. आई ट्राई नॉट टू गो इनबॉक्स बट कर दें आई लाइक टू सी पिक्चर्स. अच्छा बाय द वे मैं बता था कि मैं एक्सपर्ट इट्स आर गुड ओल्ड फ्रेंड इनकी वेरी गुड प्रिसीजन यूज करूँगा मैं बताऊँगा इसके अंदर क्या फ़ायदा है. वो लोग कहते हैं परफेक्ट बेकिंग आप लोग करते हैं कि कैसे होती है उससे होती है. इसके अंदर वो कन्वेक्शन फैन भी है. बाय द वे वो जो एयर फ्रायर वाली बात थी ना एयर फ्रायर अगर आप कि घर में ओवन है जिसके अंदर जैसे खास तौर एक्सपर्ट है जैसे ये ओवन है इसमें फैन लगा हुआ है तो यू डोंट नीड एयर फ्रायर. वो खामा खाएंगे पैसे लगेंगे. अब इसके अंदर ही वो आप बेक कर लें आप तमाम चीज़ें काफ़ी हद तक कलर आ जाएगा. अच्छा ओके जी एक काम करते हैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दो पहले तो ताकि मेरे
दो टेबलस्पून पानी, सही, ऑयल ना होने के बराबर एक टीस्पून, जस्ट कसम खाने के लिए ऑयल डाला इसके अंदर। अच्छा, और फिर वही मसाले जो घरों में होते हैं, ज़ीरा मसाला वट से आधा चाय का चम्मच, और धनिया मसाला ये भी आधा चाय का चम्मच, लाल पीसी मिर्चें हल्के हाथ के एक चाय का चम्मच, आप अपनी चपनी हिसाब से कह सकते हैं, मुझे कुटी मिर्च पसंद है, यूज कुटी मिर्च, हल्दी 1/4, एक अगेन ये तमाम मसाले आपके अपने पर्सनल है, जैसे आप डालना चाहें उसमें डाल लें। गर्म मसाला, ये रहा गर्म मसाले के लिए जाना पड़ेगा मुझे, नहीं सॉरी दिस इज ब्लैक पेपर, ये बहुत कम डालूंगा, चुटकी दो चुटकी। गर्म मसाला कहाँ है भाई, उप्स, गर्म मसाला यार मेरी चीज़ों में नाम लिखना छू, हम लोग नाम नहीं लिखते भाई, टैक्स कहाँ है मेरे, जुबी कैन आई हैव द टैक्स प्लीज, जुबी ने बहुत इशारा किया, शहजाद की तरफ शहजाद ने इशारा किया, जुबी की तरफ, दैट्स सो क्यूट, हमने बनाए हुए थे ब्लू वाला, लाइक ब्लू आई डोंट लाइक ब्लैक, है ब्लैक भी चाहते बट। अच्छा जी, थोड़ा सा चुटकी भर 1/4 गरम मसाला। अच्छा क्या कर रहा हूँ बेसिकली, वाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ बता दूँ, ये इसलिए कि ज़रा ये हमारा मसाला जब फूल जाए खुशबू आ जाए, सही। ओके, उसमें शहजाद बिग आस्किंग ऑन विच चैनल यू कम, चैनल क्या नाम उसका, A+ और A+ पे आई थिंक 5 o'clock 5 बजे, और यहाँ पे हर दिन इंशाल्लाह रमजान में तक हम रहेंगे 4 बजे, और YouTube पे फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे मेरी रेसिपीज भी हैं, मेरा ट्रैवल शो है इसके अंदर, और श्रीलंका में ट्रैवल किया था, आपको मौका लगे टाइम है तो वो देखें, खाने हैं अफजल भाई की रेसिपी से वहाँ पे हैं, मुस्तफ़ा की समोसे वमोसे हैं, हैदराबादी ताहिर भाई की रेसिपीज हैं, तो बहुत सारी रेसिपीज हैं वहाँ पे। अच्छा जी, मैं बताऊँ पिन रोल्स, और पिन रोल्स के लिए हमें क्या करना है, मसाला नॉर्मल मसाले हैं जनाब, सही, मैं सिर्फ पानी भी डाल दिया कि मेरे मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए, और उसको बस आपने हल्का सा एक दफ़ा पानी को सुखा लेना है, हम लोग तो मैं बेसिकली मैं ये बता रहा था, मैंने इस चूल्हे से यूँ हटा दिया कि ये चूल्हे आर वेरी फास्ट ब्लू फ्लेम, कैन यू सी दैट, फ्लेम नज़र नहीं आएगा इस पर, शेड कर लूँ तो नज़र आए, अरे अब आया वो आपको, सो पॉइंट इतना तेज़ चूल्हा है कि यकीन करें अगर आपको आदत नहीं है इसकी, एंड देयर टाइम चीज़ें को बोती हैं एकदम बॉयल आता है, तो इट्स अ गुड क्वालिटी, थैंक यू फॉर स्पॉन्सरिंग आवर किचन। अच्छा जी, बस ये आपको लगे कच्चापन ख़त्म हो गया, आप कच्चा भी डाल सकते थे, यू नो यू डोंट हैव टू हैव पानी, मैं मुझे लगता है पानी ही डाल देता हूँ, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं रुकूंगा, शायद आई माइट गिव अ लिटिल रॉन्ग। इस्लाम भाई सिंह सलाम, इस्लाम भाई सलाम अलैकुम, क्या सलाम भाई, हाउ इज स्टडी, कैसे चल रहा है स्टडी कैम, इस्लाम भाई। अच्छा जी, नमक डाला ही डाला मैंने, नहीं डाला, नमक डाला ही नहीं है, नमक अंदाजे से वह से आधा चाय पौने चाय का चम्मच नमक, सही। अच्छा पानी यूँ रखिएगा इसके अंदर, ये जो मैश आलू है, मैश पोटैटो, अच्छा आलू को उबाल के, हमें कैसे उबालते हैं, हम शो के सबको आलू उबालना पता होगा, नहीं तो कुछ नहीं बता देता हूँ कि आलू उबालने के लिए आपको क्या करना है, मैं थोड़ा पानी डालूँ ताकि बहुत ड्राई नहीं कीजिएगा, आई लाइक लिटिल, इसमें हल्का सा मुझे ऐसा चाहिए कि थोड़ा सा स्प्रेडेबल हो, बहुत ड्राई नहीं हो, ऐसे आलू टेंडेंसी को पानी सोक कर लेती है, आलू को बेशक मैं तो कहूँगा बेहतरीन तरीका ये कि आलू उबालने के बाद उसका छिलका उतारें और फिर पीस लें, बाद लोग बिल्कुल छोटे छोटे करके छिलका उतारने के उतारते हैं फिर उबालते हैं इधर वे, लेकिन आप पर्सनली प्रेफर कि उसमें बहुत स्टार्ची हो जाता है कि छिलके के साथ उबाल लें और बाद में उसको। हम पिन व्हील ब्रेड के अलावा और किस में बना सकते हैं, पिन व्हील एक लुक है, इसको मेरे बड़ा ध्यान होता है बाद में सवाल के जवाब देने लिए, कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, इसको दो डबल रोटी के बीच में यूँ रखें, यूँ खा लें, चपाती में रोल करें,
यूं खा लें और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और इसकी छोटे गोलियाँ बनाएं, अंडा ब्रेड क्रम लगाएं, तल लें, वैसे खा लें। सब पराठा लें तोड़ के यूं खा लें, एक पराठा नीचे रखें, पराठा ऊपर रखें, बेल लें तो आलू का पराठा बन जाएगा, वो खा लें। और कुछ नहीं पता क्या क्या खा सकते बट अगेन अच्छा जी आई लाइक दिस खूब सारा धनिया। अरे धनिया की मुझे ना ये जो डंडी है ना, ट्रस्ट मी इसमें ज़्यादा फ्लेवर होता है, लोग समझते हैं पत्तों में फ्लेवर होता है, इसकी डंडी में बहुत फ्लेवर होता है। तो डंडी को भी आपने चॉप करना है, तो बारीक चॉप करेंगे। अच्छा मेक श्योर कि आपके जो आलू हैं उसमें बहुत बड़े बड़े पीसेस ना हो, ये ज़रा अच्छी तरह से आपने इसको मैश करना है। मैश करने के लिए हाथ से कर लें ठंडा करके, या फिर मैशर जो आते हैं जो पोटैटो उससे कर लें, या फिर फोक से कर लें, बट मेक श्योर कि आपके आलू ना फाइन फॉर्म में हो। ठीक है, ये आपने आलू मैश कर लिया, ये कर लिया आपने। अच्छा इसको थोड़ा सा चूल्हे से हटा दिया, सही है, जस्ट में दिखाने के लिए मैं इसको फैला देता हूँ। गुड, ये हो गया, इसको यहाँ रखते हैं ठंडा करने के लिए। अच्छा व्हाट वी नीड, हमें चाहिए कोई, फिलहाल तो चार चाहिए ब्रेड स्लाइसेस, थोड़े से पुराने हो, वरना से पुराना मीन्स थोड़ी सी हवा लगा दें, दो चार घंटे बाहर छोड़ दें ताकि इजीली इसको आप बेल सकें, वरना तो उसने क्या करना है, इसको हम एजेस काट लेते हैं इसके। अच्छा एजेस को आपने फेंकना नहीं है प्लीज़, इट्स हाँ अम्मा बड़े नाराज़ होती हैं वैसे, और वो पेरेंट्स प्लीज़ बच्चों को आई डोंट नो इट्स बहुत बुरी मुझे लगता आदत पर्सनली कि ये बच्चे जो एजेस नहीं खाते, इससे ब्रेड ही है बल्कि अच्छी है, इट्स अ वेस्ट। और इसे रमज़ान का सीजन है महीना, तो ये चीज़ों का आते वैसे ख्याल करना चाहिए। इसको आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, इसको उठाया आपने बेसन जो पकौड़े का बेसन बनाया उसमें मिक्स करें, तल दें तो आपका ये ब्रेड पकौड़ा बन जाएगा। फिर आप इसमें ही अंडा डिप करके या ब्रेड क्रम्स लगा दें तो वो ब्रेड स्टिक्स बन जाएंगे आपकी। इसको बेक कर लें या डीप फ्राई कर लें, छोटे छोटे क्रूटांस बन जाएंगे, हम श्योर शेव इसका लंबा हो जाएगा, दैट्स इट। इसको आप बेक कर सकते हैं, तो किसी फॉर्म में भी कर लें, तो मेक श्योर प्लीज़ इसको वेस्ट ना करें। या कहीं आपको ब्रेड की ज़रूरत है, कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जैसे नगेट्स बना रहे हैं या कुछ और कीमा में आपको मिलाना है, पानी में घोल के वो मिला लें, तो प्लीज़ इसको वेस्ट नहीं कीजिएगा, मैं इसको साइड में रखता हूँ। अच्छा अब हम क्या करेंगे, असद अमान आस्किंग इसमें क्या चिकन भी ऐड कर सकते हैं? बस उसके अंदर तो आप जो दिल चाहे कर लें, खुदा के लिए कहीं तो छोड़ दें चिकन को, मेरा ये कहना है कि यू नो देयर आर डेज हम चिकन खा सकते हैं, बिल्कुल खाइए, आज नहीं खाए पर चिकन वाले बनाने में मैं भी मेरे लिए बड़ा आसान था इसमें चिकन डालना। और आइडिया ये है कि वो लोग जो कि समझते हैं कि आलू में मज़ा नहीं है या किसी सब्जी के साथ हम कैसे कुछ खा सकते हैं, सिर्फ उनके लिए बताना कि बस आप ये खा सकते हैं तो ट्राई दिस, तो मेरे कहने में बगैर चिकन के खाएँ कर। अच्छा ये आपने रोटी को बेल लेना है, सही जी। अच्छा हम क्या कर रहे हैं पतले हो गए। अच्छा बेलने के बाद एक काम कीजिएगा, मैं आपको वैसे बता दूं कि ये आपकी ब्रेड थी जो बाजार से लेके आए थे जिसका आपने समझा आपका पेट भर जाएगा, असल में ये है, ये फूल के इतना उसको एरी होती है। अच्छा ये बीच में फटा हुआ है, इट्स ऑल ओके, कोई मसला नहीं है, विल मैनेज इट। पहले ब्रेड बड़ी ठोस होती थी, अब वो इसमें ऐसे केमिकल्स आते हैं, ऐसे लिविंग एजेंट्स आते हैं, इसको उठा के बहुत ज़्यादा लाइट कर देते हैं, एक अपना जो ईस्ट का लाइटपन है वो तो है प्लस कर आर्टिफिशियली इसको बहुत ज़्यादा इसको लाइट किया जाता है, क्योंकि लोगों को पसंद है सब चीज़ें, देर लाइक टू चू, हम लोग चू करके खाना की आदि नहीं रह गए, वो बेबी फूड चाहिए हमें, ऐसा ऐसा का बेबी फूड। अच्छा जी ये हो गया, हम काम करते हैं, वैसे इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पर रख लेंगे तो रोलिंग में शायद आपको आसानी हो। आपने रखा पहली एक ब्रेड साइज रखा आपने, और चलो असद इतना असद नहीं पूछा था वो चिकन वाला जी, चले मैं अब शरारत का बोलता हूँ, शरारत मेक श्योर कर लेगा कि शरारत हम किसी दिन वो बनाते हैं, क्या नाम है बस शोरमा पिरमिल्स, विल मेक श्योर माई पिरमिल्स, उसमें फिर आपको चिकन का शोरमा बना देंगे,
वो पिन व्हील स्टाइल सैंडविचेस में। अच्छा मैं बहुत मोटी मोटी लेयर नहीं कर रहा सही, बिकॉज इट्स 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 इसमें हर चीज़ का कोई बाइटिंग करे मज़ा आए, बट जस्ट गो इनफ कि वो आप एजिस तक कवर कर ले। अच्छा इसकी इस सैंडविच की ब्यूटी ये है कि ये देखने में खूबसूरत लगेगा और इसको आप बना के पहले से रख सकते हैं। सैंडविच मुझे लगता है कोल्ड सैंडविच उनमें से जिसको सिर्फ कोल्ड होना चाहिए तो बना के पहले रख लें, मेहमान आए या तारीख के वक्त निकाला आपने स्लाइस किया खा लिया, ईद के लिए आइडियल। अच्छा जी ये आपने एक और इसके ऊपर हमने शीट रखी और ब्रेड को जो आपने बढ़ाया हुआ था इसको रखा। हरी चटनी हर घर में होती नहीं है तो धनिया पुदीना बराबर वजन का ले लें, मिर्चें थोड़ी बहुत अपने हिसाब से कम बेच ले लीजिएगा, और एक तो जब लहसुन के नमक साबित जीरा डालना है थोड़ा जीरा डाल दें, मशीन चला लें हल्के पानी के साथ, बहुत ज़्यादा पानी ना हो वो ले लें सही जी। और इस पे ज़रा अगेन वी डोंट वांट एनीथिंग टू मच, बस हल्की सी एक फ्लेवर चाहिए, ये ना हो कि वो इतना हो कि हरी मिर्ची की चटनी ही टेक ओवर कर ले फ्लेवर्स को, थोड़ा सा हर चीज़ का एक बड़ा अच्छा मज़ा आना चाहिए। आयशा सलीम आस्किंग क्या हाल है आयशा, सलामकुम कैसी हो टर्की में आयशा, कहाँ नहीं ना टर्की आयशा, आयशा कहाँ है इटली, शहजाद भी हमारे साथ खड़ा हुआ आयशा, शहजाद सलाम कह रहा था मैं। रोज़े कैसे हैं आयशा इटली के तुम्हारे रोज़े? अच्छा जी हो गया, और केचप नेशनल का ज़रूरी, नेशनल केचप ज़रूरी। बाय द वे वन ऑफ माय फेवरेट थिंग अबाउट केचप की वो आपको पाकिस्तानी फ्लेवर चाहिए होता ना, आई लाइक द रिच थिक केचप, तो दैट्स वेयर द नेशनल केचप कम्स इन। अच्छा इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम कर लेता हूँ। अच्छा रुबाब आयशा सिंह ये बहुत गीला इफेक्ट तो नहीं देगा चटनी? गीला इफेक्ट नहीं मतलब वेट वेट लुक या वेट क्या? नहीं 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 रुबाब अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ सही जी। रुबाब ये हो गया और ये आपका इसके पर एक और ले रहा हूँ थोड़ी सी आलू की चाहे तो लगा दें, नहीं बहुत हो जाएगा कह रहे हैं टू मच इसको ये ओके जी ये आपने सही जी। अब ये आपने बड़े प्यार से इसको लिया कुछ रोल को जरा पहले वाले को हाथ से अंदर करें, अब ये इसकी मदद से देखें खा के सीम नीचे आ गई और अब मैं इसको देखना ये नीचे का सही आ गया सर जो खुलना हुआ था इसको नीचे रखा आपने। अच्छा ये आपने टॉफी बना दी रैप कर ली टॉफी की तरह। अच्छा ये अब आप इसको बेस्ट है कि फ्रिज में रखें टिल 15-20 मिनट तो रखें कम से कम ठंडा हो जाए और मेहमान आ रहे हो बल्कि सुबह से शाम तक रख सकते हैं, ये ड्राई नहीं होंगे, मुझे होता है कि चीज़ें ड्राई हो जाती हैं, ये ड्राई नहीं होगा, ये आप जब निकालेंगे बड़ा मॉइस्ट रहेगा। और जो वो कहती है रुबाब ने किसने कहा था कि वो क्या वेट जी हाँ नहीं रहा वेट नहीं होगा गीले गीले वाली फील जो वो रुबाब अगेन सी हाँ नहीं होंगे वो नहीं रहेगा। अच्छा जी वी लाइक केचप गार्निश के लिए लोगों को अलग से केचप देते हैं ऐसे ही दे दें इसको खाना हो ऐसे ले लेगा सही है। अब आपने इसको अनरैप किया अगेन ये फ्रिज में रखा हुआ है 4 घंटे 6 घंटे 1 घंटे ये पहले से बना के आपने रख लेना तो या लास्ट मोमेंट की चीज़ नहीं है, इसको आपने अनरैप किया सही इसका आपने से बाहर निकाला हाँ देखिए आर यू रेडी ओके जी गाइस Look at this color, beautiful, huh? So we eat with our eyes. कुछ चीजें हमें देखने में अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। सही जी।
काफी लोग सलाम कह रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, मरियम सुमेर सिंह, प्लीज प्लीज बेसन की कड़ी बनाना सिखाएं. कौन कह रही है? मरियम सुमेर. मरियम सही, इंशाल्लाह. रमजान तो नहीं खानी ना आपने? इफ्तार पे है, उसके बाद ही खाएंगे, बना लेंगे इंशाल्लाह. अभी बात करें इफ्तार की, सहरी की. व्हाट यू वांट, लाइक आप, वुड यू लाइक मी टू कुक? सहरी के लिए क्या बनना आप चाहती देखना, और इफ्तार के लिए? आई थिंक ये आप देख लें कैसे किया, बहुत ईजी था. इसके अंदर अच्छा, ये हमने बना लिए. कलर्स है कि चटनी का, ग्रीन चटनी का कलर आया है, टोमेटो केचप का है, एंड देन आलू की फिलिंग है उसके अंदर. यू नो, हर चीज़ का एक अपना, उसमें जब आप बाइट इन करेंगे आपको हर चीज़ का अपना मज़ा आएगा. चीज़ अपने हाथ में, जैसे भाई ने कहा चिकन, बिल्कुल आप चिकन डाल सकते हैं, लेकिन ट्राई करें ना डालने की चिकन, इसको ऐसे इन्जॉय करने के लिए. कोई सवाल है तो अक्सर फ्रेंड्स भी ज्वाइन किए. क्योंकि आप कुछ भी नहीं हुआ वैसे तो, अगेन ये टीवी नहीं है कि आपको कुछ निकल दी जाती है. फेसबुक है, और वापस जाएं आपने फिर से स्टार्ट करना है, प्ले करना है, हो जाएगी. दूसरा ये कि यूट्यूब का चैनल है मेरा, शेफ साधन, CHEF SAADAT. मैं कुछ करूँगा इसके आखिर में, मैं आपको लिंक भेज दूँ. तो वहाँ जाके आप हमारी रेसिपीज, ये वाली भी जो आज लाइव है, ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा. शेफ अफजल निज़ामी है, और आजकल मुस्तफ़ा की, अगर आपने चिकन समोसा जो कि कहते हैं चीज़, सॉरी चिकन चीज़ समोसा कैसे बनता है, जो हम बाहर खाते हैं घर में नहीं बना सकते, तो मुस्तफ़ा की रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा. वो है इसको क्या किया, मैंने आलू का भुर्ता आपने उबाल के रख लेना है बिल्कुल, और मैश कर लेना अच्छी तरह से. उसके बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर मैंने मसाला पकाया, आप कच्चा भी डाल सकते हैं बाय ऑल मींस. आई लाइक कि मुझे मसाला थोड़ा पक्का हो, तो मैंने थोड़ा सा पानी के अंदर, ताकि मसाला ऑयल आधा चाय का चम्मच डाला था, वो ना भी डालने मसाला नहीं है, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर, आधी चाय का चम्मच पौना चाय का चम्मच लाल पीसी मिर्चें हैं, नमक है आधा चाय का चम्मच, हल्दी एक चौथाई चाय का चम्मच, गरम मसाला 1/4 एक चौथाई चाय का चम्मच. इसको मिक्स किया आपने, और थोड़ा पकने लगे, गाढ़ा हो जाए, इसके अंदर अपने आलू मैश करके जो आपने रखे हुए थे उसको घुमाया मिलाया, और ठंडा करने के बाद हरी धनिया थोड़ी चॉप करके डाल दी थी. हरी मिर्च नहीं डाली है क्योंकि ऑलरेडी ये चटनी हम यूज़ कर रहे हैं. फिर हमने स्लाइसिस को बेल के लंबा कर लिया था, और उसके बाद उसके अंदर एक लेयर आलू की लगाई, फिर हमने चटनी की लगाई, फिर आप केचप लगा दें, इवन फिर आलू लगा दें, फिर केचप लगा दें, आपको दो लेयर मिल जाएंगी बारीक, घुमा के आप रख लें, काट के सर्व कर दें. अच्छा, फराज फारूक सिंह, चीज़ ऐड हो जाए, हो जाती तो ज़बरदस्त हो जाता. आप कर लीजिए, ठीक है, चीज़ हर चीज़ बात. फराज भाई, चीज़ वाले भी बनेंगे और चिकन वाले भी बनेंगे. अब वो वाली बात है कि अब मैंने खिचड़ी बनाई है, उसमें चिकन भी डाल दो उसके अंदर, उसमें बिरयानी के मसाले भी डाल दो, तो फिर खिचड़ी को खिचड़ी नहीं रहेगी. मुझे लगता है कि पर्सनली यहाँ नो गेट फॉर, मैं बड़ा लगता है कि बहुत पर्सनल हो जाता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों को वैसे ही रहन दीजिए. फिर जब चिकन की बनाएंगे तो चिकन बहुत बनेंगे, पनीर की बहुत बनेंगे चीज़ वाले इंशाल्लाह ताला. तो यू नो विल हैव टाइम, विल हैव अभी 30 दिन है, हर चीज़ का मज़ा लेना सीखे, इंजॉय करें इसको. सही जी. अच्छा सनर, आप आस्किंग, ये ओपन तो नहीं हो जाएंगे, मतलब ये जो सर्कल्स हैं इसके, जो मतलब ओपन क्यों नहीं होंगे, आप समझ रहे, ओपन मतलब कटिंग के वक्त ओपन तो नहीं हो जाएंगे? आपके सामने काटा है मैंने, आई डोंट नो ये क्यों ओपन होंगे, ट्राई करें, होंगे तो क्या हो गया, फिर इतफा कीजिएगा, नहीं ओपन नहीं होंगे, आई एम श्योर नहीं होंगे, मतलब क्यों ओपन होंगे, और हो भी गया तो क्या है, आप गलती से सीखते हैं, यू माइट पहले तो गलती हो जाए आपसे, तो मसला नहीं है. ओके, मलिहस रजा सिंह, फ्राई करें तो? फ्राई कर लें, फ्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, विल मेक इंशाल्लाह. बट फ्राई आप इसको पूरे के लॉक को फ्राई करना चाह रही हैं, वो भी कर सकती हैं, जो आपने लॉक बनाया था उसको फ्राई करके आप रख लें, उसको ब्रेड कम लगा के आप फ्राई कर लें, फिर काट लें, दैट यू कैन डू इंडिविजुअली को आप फ्राई करना चाहते हैं, बट ऐसा लॉट ऑफ वर्क, हाँ वाक एक्स्ट्रा वर्क है. आइडिया ये कि आपने बना के रख लिया, शाम में निकाला, चक 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 चक, इफ्तारी भी आपने जहाँ दूसरी चीज़ें बनाई हुई थी वहाँ रख लिया, थोड़ा सा आपको मेहनत कम पड़ेगी उस दिन काम करने के लिए, बट आपको लगता है कि आपको मेहनत करना एक्स्ट्रा चाहिए, बिल्कुल फ्राई करना इसको. चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन शेफ सादत पे. ये रेसिपीज भी अब हम जो किया वहाँ पे होगी, और तमाम सेशंस वहाँ पे जा रहे हैं. अब अफजल भाई की रेसिपीज हैं, मुस्तफ़ा की हैं, और स्टे ट्यून फॉर फैसल लर्न्स टू कुक विद शेफ सादत. अल्लाह हाफिज़.